तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो और इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए थक गए हो, आपका अकाउंट ही ग्रो नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल तगड़े तरीके से आपका भाई आपको पांच ऐसे टिप बताने वाला। अगर आप इस पांच टिप को फॉलो करेंगे तो आई होप डेफिनेटली आपका अकाउंट ग्रो होगा, आपके भी फैन फॉलोइंग बढ़ेंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे। अरे बात आई पैसे कमाने की, अगर आप भी पैसे कमाना जानना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप जाके चेक कर लो, आप भी पैसे कमाना सीख सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने लो। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली गारंटी के साथ आपका भाई बोलता है आपका अकाउंट ग्रो होगा। अगर आप इस जिसको जानना चाहते हो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो गाइस मेरा नाम है विष्णु नेवाने और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस हम बात करते हैं आज इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करें। हम डेली इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, फोटो डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, फिर भी हमारा अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, हमारा अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा, हमारे अकाउंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपके साथ हो रहा है तो आपका अकाउंट में ग्रो लेने की गारंटी कर लेता हूँ, मतलब आपका भाई गारंटी लेगा कि भाई आपका अकाउंट हम ग्रो करके देंगे, ऐसा ही कुछ। तो इसके लिए आपका भाई आज पांच टिप्स बताने वाला, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट ग्रो होता है। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले नंबर की टिप की तरफ। तो ये पहले नंबर की टिप है, आपको एक्टिव रहना है, लेकिन एक्टिव रहते हैं आपको डेली पोस्ट करने हैं, आपको डेली दो पोस्ट करने हैं, मतलब एक सुबह करने हैं, एक शाम को करने हैं, मतलब जिस तरह से आपका हो सके उस तरह से आपको दो फोटो पोस्ट करने हैं, कुछ भी पोस्ट करना है, लेकिन दो चीज़ पोस्ट करनी है जिससे आपके अकाउंट का जो एंगेजमेंट है वो बना रहेगा। आपका दो पोस्ट करना है, इससे क्या होगा कि एंगेजमेंट लेवल ऐसे कनेक्ट रहेगा जिससे थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के माइंड में से खटक जाएगा, मतलब चाबी को ना ऐसे घुमाएंगे ना तो इंस्टाग्राम को ऐसे लगेगा यार ये बंदा तो एक्टिव रह रहा है, इसको ना हम थोड़ा सा बूस्ट देते। तो थोड़ा सा बूस्ट देने के बाद क्या करेगा इंस्टाग्राम आपको ऐसा धक्का देगा, तो आप आगे जा सकते हैं और आपके फैन फॉलोइंग वगैरह डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। तो इस बात करते हैं सेकंड नंबर की तरफ। आप जो पोस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको टैग्स यूज़ करने हैं, लोकेशन यूज़ करना है, आप टैग जो डाल रहे हो ट्रेंडिंग टैग डालिए, जो ट्रेंड में चल रहा है उसके रिलेटेड आप टैग डालिए, आप जो पोस्ट कर रहे हो उसके रिलेटेड टैग डालिए। बिकॉज आपने अगर एक फ़ोटो डाला, सपोज़ मैंने एक फ़ोटो डाल दिया जिसमें मैं खड़ा हूँ कार वगैरह है, तो आप का वो हैशटैग यूज़ करें, हैशटैग कार, हैशटैग नेचर, मतलब इस टाइप के आपको हैशटैग यूज़ करने, जो चीज़ें उसके रिलेटेड आपको हैशटैग यूज़ करने, जिससे क्या होगा कि आपका जो पोस्ट है आप रैंक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे आपके ऑडियंस वगैरह बढ़ती है। और आप ज़्यादा आप स्टोरी डाल, मतलब आप जो कर रहे हो उसके आप लोकेशन डालिए उस जगह का कि ये आप पे आप है, उसका लोकेशन भी डालिए, उस लोकेशन से कनेक्ट जितनी भी पब्लिक है वो भी आपको देखेंगे, जिससे वजह से भी आपका ऑडियंस बढ़ेगी, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो भाई बात करते हैं इंस्टाग्राम में एक बहुत बढ़िया फीचर है जो हर किसी को पता है, अगर नहीं पता क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बताता हूँ डेफिनेटली, लेकिन मेरे को पता है आपको पता है, आपको क्यों नहीं पता। अगर आपको पता नहीं तो पहले कमेंट में जाओ और बोलो हमें नहीं पता, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो गाइस वो फीचर है रील, 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 बिल्कुल सही सुन रहे गाइस आप, रील। इंस्टाग्राम की रील जिन्हें कौन नहीं जानता भाई, छोटे निब्बे से लेके बड़ी निब्बी तक, नहीं गलत बोल दिया, छोटे निब्बा निब्बी और बड़े निब्बा निब्बी हर कोई उसके दीवाने हैं, जैसे हम हैं, समझ रहे हो, हम दीवाने हैं। तो हम रील बनाते हैं, लेकिन हम जो रील बनाते हैं हम अच्छी रील बनाते हैं या नहीं, ये भी चीज़ मैटर करती है। तो गाइस हमें रील के ऊपर एक्टिव रहना है, मतलब हमें रील डालनी है, जिससे हम जितनी भी रील डालेंगे उस वजह से क्या होगा कि हमारा अकाउंट ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गाइस इंस्टाग्राम के पास इतनी सारी ऑडियंस है कि आप पागल हो जाओगे भाई, बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम के, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ग्रो होगा। आप जितने भी रील्स डालेंगे ना तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ऑडियंस है कि उनका आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो उनको ऐसे क्लिक कन बटन दबाएंगे और आपको फॉलो कर देंगे, जिससे क्या होगा, क्या होगा, आपके फैन फॉलोइंग बढ़ेंगे, पैसे छापेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और कुछ करना है तो हमें फॉलो कर सकते हैं, आप टेक्निकल वीपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू बोल देंगे, ठीक है। सो गाइस आपको ये होना है, उसके बाद अब भाई बात करते हैं अपन, आपको डेली एक्टिव रहना है। भाई एक्टिव रहने का मतलब हम कैसे समझते हैं, आपको रील डालना है, आपको पोस्ट करना है, ठीक है, आपको IGTV के ऊपर वीडियो डालना है, एक वीक में आपको IGTV के ऊपर एक ना एक वीडियो तो आपका डालना है, एक या दो वीडियो आपको IGTV के ऊपर जाने ही चाहिए। और अगर बात की जाए गाइस तो आपको लाइव आना है, लाइव आने से क्या होता है आपका और आपका ऑडियंस का एंगेजमेंट लेवल जो होता है तो इससे कनेक्ट रहता है, एंगेजमेंट बढ़ती है, जिससे क्या होता है आपको और आपके ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और कुछ नहीं होता भाई, वो कनेक्टेड रहते हैं तो फैन फॉलोइंग अच्छी होती है, वो
हर इसका रिस्पॉन्स देते हैं। अगर फाइनेंस फॉलोइंग मतलब जो एंगेजमेंट है वो अगर अच्छा रहा तो इंस्टाग्राम उस अकाउंट को आगे पुश करता है, ऐसे धक्का देता है, धक्का 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 करके धक्का देता है और आपका अकाउंट ग्रो होता है। बिल्कुल डेफिनेटली सही सुन रहे हैं, जिससे आपका अकाउंट ग्रो होता है और बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि आप और ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हो बिल्कुल अपने भाई के स्टाइल में। ठीक है, ये सा एक ऑप्शन है, आपको एक्टिव रहना है। और गाइस बात कीजिए, आपको स्टोरी वगैरह डालनी है, आप स्टोरी वगैरह नहीं डालते तो आपको स्टोरी डालनी है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और स्टोरी डालने अगर स्टोरी में आपको एक चीज़ डालनी है, मतलब जो अपन क्वेश्चन मार्क वाले जो आपको आते हैं ना कि भाई ये चीज़ है वो, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले जो स्टिकर रहते हैं उसको आपको डालना है, जिसमें आपको पूछा जाएगा भाई ये है तो हम आपको ऐसे इसको ऐसे बढ़ा के दिखाओ, हम ऐसे वाला फेस करेंगे, ऐसे वाला फेस करेंगे, जिसमें आपको आगे वाले को जो मेंटली उसको मेंटली देखना है, मतलब समझ रहे हो कैसे बताओ आपको। अगर कोई बंदे ने अगर आपने स्टोरी डाली मैं हवा में उड़ रहा हूँ, तो आप आगे वाले को ऐसे दिखाओ कि आप क्या फील कर रहे हो अगर आप मेरी जगह होते, तो इस तरह के आप क्वेश्चन उनको पूछ के स्टिकर डाल सकते हो, आपको रेडीमेड स्टिकर इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं। आप सभी को पता है, मेरे को पता है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा होशियार लोग हो भाई, टेक्निकल वीपीएन की ऑडियंस ही बहुत ज़्यादा होशियार है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको स्टोरी में वो सारी चीज़ डालनी है। तो मोस्ट ऑफ गाइज हमारे आज के 5 पॉइंट हो गए, लेकिन मैं आपको और एक पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर 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 आप उस पॉइंट को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी एकदम तगड़ी स्टाइल में। तुम्हारे भाई की स्टाइल ही काफ़ी डेंजर है, तुम्हें पता है हर चीज़। तो हम तुम्हारा भाई यानी कि मैं टेक्निकल वीपीएन आपको बताने वाला हूँ, कनेक्ट योर ऑडियंस, कनेक्ट योर ऑडियंस। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट इसके लिए बोल रहा हूँ, आप जो कुछ डाल रहे हैं सही बात है, आपके पास ऑडियंस आ रहा है, लेकिन आप उस ऑडियंस को होल्ड कैसे रखेंगे गाइस, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास ऑडियंस आ गई आप उसको धक्का दे रहे तो भाग जाएगी ऑडियंस, आपको उसको ऐसे पकड़ के रखना है, प्यार मोहब्बत वाली बातें करनी है, प्यार बढ़ाना है, एंगेजमेंट बढ़ाना है, जिससे ये ऑडियंस अपने आपके पास ऐसे चिपक के रहे, ऐसे भाग ना जाए। इसको आपको ऐसे बढ़ाना है, इसके लिए आपको प्यार मोहब्बत वाली बातें मतलब बताया नहीं जाए, तो आपको उसके साथ एंगेजमेंट बढ़ाए रखनी है। स्टोरी से बनाओ, रील से बनाओ, लाइव से बनाओ, आईजीसी से बनाओ, सब करो, लेकिन आपके ऑडियंस के साथ आपके एंगेजमेंट कनेक्ट होनी चाहिए। जिस वजह से आपके ऑडियंस के साथ आपके एंगेजमेंट कनेक्ट हो गए तो इंस्टाग्राम जितनी में मतलब क्लोज एंगेजमेंट होता है, जैसे अपने यूट्यूब में रहते जितना ज़्यादा वॉच टाइम आएगा उतना ज़्यादा वीडियो ग्रो होगा, अपना चैनल ग्रो होगा, उसी तरह से हर प्लेटफॉर्म का वही चीज़ मैटर करती है। जितनी ज़्यादा ऑडियंस आएगी, जितना ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगा, जितना ज़्यादा वॉच टाइम रहेगा, उतना ज़्यादा वो पेज वो चैनल ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोस्ट ऑफ गाइज यही रीज़न है हर किसी का। आपको आज की बताई हुई बातें कैसी लगी, अगर आप में इन बातों में से पता है तो डेफिनेटली कमेंट में बता देना आपको क्या पता है, और इसमें से कोई चीज़ अगर मिसिंग रह गई तो वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करेंगे और आपके प्रॉब्लम को और करेंगे, आपका नाम भी आगे सजेशन कर देंगे। आई होप गाइज मेरे को लगता है आज के वीडियो में हर प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो चुके हैं, इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे कर सकते हैं आपको ऑल चीज़ पता चल गए। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है इस वीडियो को आप लाइक कर देना, क्योंकि आपका भाई हर चीज़ बताया, आप ऐसे लाइक करते तो मेरा दिल खुश हो जाता है, हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइज आपका वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को डेफिनेटली तड़ाकल से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आप भी पैसे कमाना वगैरह हर चीज़ सीखते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच एंड बाय।